इसके साथ भी थी। ये देखो इसके साथ थी कि नहीं थी। ये दोनों लल्लू भाई लोगों को बोल रहे थे लोहे को हवा में उड़ा देंगे, हम बेड उड़ा देंगे, कुर्सी उड़ा देंगे, मेज उड़ा देंगे, हम आदमी को उड़ा देंगे। ये सपने बोल रहे थे हम दुनिया को उड़ा देंगे। राइट ब्रदर्स, हम ये उड़ा देंगे, हम पंखा उड़ा देंगे, हम कुर्सी उड़ा देंगे, हम एक ऐसी मशीन में जाएंगे जिसमें बैठ के सब चीजें। अच्छा मैं पूछता हूं, जब सपने बताते होंगे तो जो आसपास के लोग रहते होंगे वो बोलते होंगे शाबाश, हमें भी लग रहा है तुम ऐसा कर दोगे, ऐसा बोलते होंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हां जी, तो चुनौती रही होगी कि नहीं रही होगी? अच्छा सोचो कि ये आदमी जब बोलता होगा जिसका नाम था हेनरी फोर्ड, इसने अपने इंजीनियरों को इकट्ठा किया, उसने बोला एक ऐसा इंजन बनाओ जिसमें 8 के 8 जो सिलेंडर है वो एक ही जगह लगे हो। लोगों ने कहा पागल है हेनरी, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है। उसने बोला नहीं नहीं, नहीं मुझे नहीं पता, ड्राइंग करके दे दिया कागज पे। हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियर को कागज पे ड्राइंग करके दिया कि एक 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह चाहता हूं, बना के दो। मरता क्या ना करता, एम्प्लॉय थे, पैसे मिलते। उसने बोला ठीक है कोशिश करते हैं। 2 महीना 3 महीना 6 महीना रिपोर्ट मांगे, क्या हुआ? बोला सर नहीं होता, हो ही नहीं सकता। बोला फिर करो, तनख्वाह तो मैं दे रहा हूं। 2 महीना 4 महीना 6 महीना हो ही नहीं सकता। 1 साल के बाद इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर से पूछा हाँ भाई, उन्होंने बोला हो नहीं सकता, तो मैं आपको हेनरी फोर्ड की वो लाइन बताता हूं, साथ लेके जाइए। जानते हैं हेनरी फोर्ड ने क्या बोला? बोला चाहिए ही चाहिए। 3 शब्द बोले, चाहिए ही चाहिए। कितना समय लग जाएगा मुझे उससे परवाह नहीं है, लेकिन 8 सिलेंडर एक ही जगह मुझको चाहिए ही चाहिए। ये वो लोग थे जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया। सर कहां चुनौती नहीं है। दोस्त नेपोलियन का नाम सुना है आपने? Have you heard the name Napoleon? बहुत बड़ी सेना थी नेपोलियन की। अल्पास पर्वत श्रेणी में गया, अल्पास गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, दुनिया की विहंगम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अल्पास। अल्पास को वो फतह करना चाहता था। अल्पास डेड पर्वत श्रृंखला है, डेड मतलब गया तो मरा आदमी, इतनी खतरनाक पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पूरी सेना के साथ निकला, अल्पास को जीतूंगा। तो जब अल्पास के लिए गया तो एक बूढ़ी औरत मिली नेपोलियन को। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला तू कहां जाता है, तू कौन है? उसने बोला मैं नेपोलियन। उसने बोला जाता कहां? बोला अल्पास फतह करूंगा। तो उसने बोला तू ऐसा मत कर, क्योंकि यहां जो भी गया लौट के, तेरे से पहले बहुत सारे लोग गए लेकिन यहां लौट के कोई नहीं आया, मैं तेरे से बड़ी उम्र में, तो तू ऐसा कर तू अपनी सेना को लौटा ले। तो नेपोलियन हंसने लगा, बोलते घोड़े पे बैठा था, गले में माला थी, माला उतारी उस वृद्ध महिला के गले में डाल दी और बोला कि माताजी जब लौट के आऊंगा तो जय जयकार करोगे आप मेरी, और सेना को बोला आगे बढ़ो।